जब एक तारा अपनी आग और रोशनी पैदा करने की शक्ति खोने लगता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़कर अपना घनत्व और गुरुत्वाकर्षण को इतना बढ़ा देता है कि वो रोशनी के साथ साथ समय और अंतरिक्ष को भी अपने अंदर खींच लेता है और बन जाता है एक ब्लैक होल। अंतरिक्ष में धरती के सबसे पास के ब्लैक होल भी हमारी पहुंच के बाहर है। पर क्या आप जानते हैं, साइंटिस्टों ने खुद धरती पर एक ब्लैक होल होने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं कैसे और कहां। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। ब्लैक होल ना सिर्फ अंतरिक्ष की गहराइयों में होते हैं, पर ज्यूरिच और मियामी के साइंटिस्टों के अनुसार वे हमारे विशाल सागरों में भी मौजूद हैं। साइंटिस्टों ने समुद्र में ऐसे करंट ढूंढ निकाले हैं जिनका प्रभाव बिल्कुल ब्लैक होल जैसा है, जिनमें कैद होने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ये ब्लैक होल पैदा होते हैं एक तरीके के समुद्री करंट के द्वारा, जिसे एडी करंट कहा जाता है, और जिनका फैलाव कई कई बार 150 मील तक होता है। ये ब्लैक होल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं और ज्यादातर दक्षिणी महासागरों में देखे जाते हैं। ये कई जहाजों को अपने अंदर खींच के डुबाने के जिम्मेदार भी रहे हैं। अपने अंदर खींची हुई चीज ये अपने अंदर सीमित रखते हैं और घूमते घूमते उन जहाजों को तुरंत ही समुद्र के दूसरे कोनों में पहुंचा देते हैं। ये घूमते हुए ब्लैक होल मछलियों और यहाँ तक इंसानी पदार्थ जैसे प्लास्टिक की बोतलों को भी अपने अंदर कैद कर पूरे समुद्र का चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक होल अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह विशालकाय नहीं होते, पर इनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ ऐसे ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एकदम फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।